हेलो दोस्तों, आज हम सोलेनोइड वाल्व के कनेक्शन करना सीखेंगे कि जो सोलेनोइड वाल्व में हम जो कॉइल का यूज़ करते हैं उस कॉइल के कनेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोलेनोइड वाल्व की दोनों कॉइल को खोल लेते हैं। अगर हमारे सोलेनोइड की कॉइल है अगर डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती हैं तो हम उसको डीसी सप्लाई यूज़ करके ऑपरेट कराएंगे। अगर हमारी सोलेनोइड की कॉइल एसी सप्लाई से ऑपरेट होती हैं तो हम एसी सप्लाई का यूज़ करेंगे और उसको फंक्शन में लाएंगे। जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा है तो हमने दोनों कॉइल को अलग कर लिया है। ये आपको जो वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है 24 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली सोलेनोइड की कॉइल है। अब हम इनसे कनेक्शन टर्मिनल के बारे में बात करेंगे कि इसके कनेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऊपर वाली जो कैप है जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए और इसको बाहरी मतलब किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए हमने यूज़ कर रखा है और कंपनी इसी तरह से डिज़ाइन करती है ताकि इसको किसी भी तरह की कोई डैमेज नहीं हो। तो ये इसका इंसुलेशन कैप के अंदर इसके अंदर टर्मिनल ब्लॉक है जिसके अंदर हम सप्लाई के कनेक्शन को करेंगे। इसमें 0 वोल्ट 24 वोल्ट और अर्थिंग के पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करें, जिससे पहले हम इसकी केबल को छील लेते हैं। देखो केबल को छील लिया है, इसमें येलो वाली हमने 0 वोल्ट है, रेड वाली हमारी अप का लिए है और ब्लैक वाला डाउन के लिए है। अब हम 0 वोल्ट को कॉमन रख के दोनों कॉइल के कनेक्शन करेंगे। कॉइल में 0 वोल्ट हमारा कॉमन रहेगा और रेड और ब्लैक में 24 वोल्ट की सप्लाई है जो कि अलग अलग फंक्शन को ऑपरेट कराएगी। जब रेड वाले में 24 वोल्ट आएगा तो हमारा कोई भी एक फंक्शन अप या डाउन का ऑपरेट होगा। जब ब्लैक वाले वायर से कमांड आएगी 24 वोल्ट की तो इसमें भी जो हमने फंक्शन सेलेक्ट किया है अप डाउन का वो ऑपरेट होगा। तो इस तरह से हम पहले कॉइल के कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। कॉइल के कनेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके बाद इसको दोनों कॉइल को फिक्स करके इसको हम फुल्ली टाइट कर लेंगे। इस सोलेनोइड का यूज़ हमने ब्लाइंड पॉलिश के जो हेड के आगे जो गेट लगा होता है उसको बंद खोलने के लिए यूज़ किया है। जैसे इसमें कमांड आती है तो हमारे सोलेनोइड का जो सिलेंडर है वो ऑपरेट होता है और अप डाउन में काम करता है।